लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का है ना, मैं हूँ देशराज यादव। और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी। बहरोड क्षेत्र के भीटड़ा में शीश वाले बाबा के विशाल मेले में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारे में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की, साथ ही गांव एवं आसपास क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों ने मेले में जमकर खरीदारी की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान जयवीर भाटी, नीरज भाटी एंड पार्टी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक बलजीत यादव, जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव सहित अन्य अतिथि मेले में पहुंचे। इस दौरान अतिथियों का मेला कमेटी एवं ग्रामीणों की ओर से फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं मेला कमेटी अध्यक्ष श्रीराम यादव ने बताया कि स्थानीय लोगों में बाबा शीश वाले के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव है। भक्ति के भाव से भरे हजारों की संख्या में भक्तगण बाबा के दरबार में पहुँच कर धोक लगाते हैं। इस दौरान मेला कमेटी के सदस्य, ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। सोच लो कि मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा है। और चाहे तो आप चाहे जो से करवा सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से सही रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। ये बाबा की पूरे गाँव का कुल देवता है और बाबा की बहुत श्रद्धा भाव है। जो बाबा से श्रद्धा से कुछ भी जो मांगता है, बाबा उनकी मन्नत पूरी करता है। मेले में देसी घी का भंडारा है, जयवीर भाटी की प्रस्तुति कर रहे हैं और पूरे गांव के सहयोग से, हर भगत के सहयोग से मेला भरवाया जाता है। पूरे गांव और सब नवयुग मंडल, सभी भक्तगणों के सहयोग से मेला भरवाया जाता है और बाबा की आस पड़ोस में बहुत मान्यताएँ हैं। अभी हमारे गांव में अभी दो, एक लड़की और एक लड़का लगा है। उन्होंने अपने पहले महीने की जो सैलरी हो बाबा के यहाँ दान दिए। जो भी बाबा की मन से मन्नत मांगता है, बाबा उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। रामेश्वरी देवी एडवांस डेंटल क्लिनिक, अब दांतों से संबंधित बड़ी से बड़ी बीमारियों का सफल इलाज, वह भी उचित रेट पर। डॉक्टर अनीता यादव, कोरल डेंटल सर्जन द्वारा, साथ ही एक्सीडेंट में टूटे जबड़ों का भी सफल इलाज। पता 200 मोड़ नजदीक अटल सेवा केंद्र, माजरी कला, नीमराणा। बहरोड कस्बे के बर्तरी रोड पर स्थित यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मनाया गया शिक्षक दिवस, चेयरमैन सुमित यादव ने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। साथ ही उसके पश्चात विद्यार्थियों ने अनेक भावपूर्ण शिक्षाप्रद प्रस्तुतियां दी। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू प्रचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट, नरेंद्र धर्मवीर शास्त्री, कृष्ण, राजेश, रमेश, रवि सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort, the epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. मानन क्षेत्र के गिगलाना में युवा समाज सेवी आशीष चौहान के जन्मदिवस के उपलक्ष पर राठ ब्लड सेंटर बहरोड के द्वारा संचालित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पार्षद जयप्रकाश जाबर क्षेत्र से बाहर होने की वजह से उनके बड़े भाई चेतन यादव रहे। शिविर में रक्तदाताओं ने 41 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान चेतन यादव ने कहा कि हमें अपने जन्मदिवस एवं सालगिरह पर केक काटने के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, एक इंसान ही रक्तदान कर किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। वहीं हर इंसान को साल में कम से कम 3 बार स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करना चाहिए, ताकि रक्त की कमी से किसी जरूरतमंद मरीज को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस दौरान युवा समाज सेवी सोनू चौहान, रविंद्र हाथी सरपंच माजरा, राहुल मेहरा, सतपाल शर्मा, डालचंद यादव, भीमराणा, विवेक यदुंशी गिगलाना, मनीष शुभम, मुकेश शर्मा सहित अन्य युवा मौजूद रहे।
अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है होटल हाईवे प्रिंस, स्वाद का खजाना प्रिंस का खाना, जहां एसी रूम, एसी रेस्टोरेंट, एसी बैंक्वेट हॉल, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट, इतना ही नहीं फाइन डिन, बर्थडे, किट्टी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए बेस्ट पैलेस। एक बार आओगे तो बार बार आओगे। दिल्ली जयपुर हाईवे कांकर दोपा के पास बहरोड। आज हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग फूड एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। थैंक यू होटल हाईवे। और बिल भी बड़ा छोटा सा है। बैरोड क्षेत्र के दुगेड़ा में स्थित राठ विद्यालय में शिक्षकों का किया सम्मान। इस दौरान शिक्षक जलेश सिंह यादव ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिस दौरान केक काटा गया। वहीं विद्यालय डायरेक्टर शिवानी यादव के नेतृत्व में शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया और बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके चित्र को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। वहीं बताया कि शिक्षकों का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। डायरेक्टर रविंद्र तंवर व प्राचार्य के पी बर्वे ने बताया कि शिक्षक ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। तो आज के दिन भर में यही है खास। कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास?